हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी सी तो बेटा हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़े थे और इसकी डेफिनेशन और फीचर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था अब हम इसमें बात करेंगे इसके मेरिट्स डीमेरिट्स और टाइप्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिट्स इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है सबसे पहले है लिमिटेड लाइबिलिटी तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या था पब्लिक मे बी इंकरेज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी तो यहाँ पर क्या लाइबिलिटी लिमिटेड है मतलब आपने जितने का शेयर खरीदा है उतना ही आपके ऊपर लाइबिलिटी है ऐसा नहीं कि अगर कंपनी कल के डेट में डूब गई तो आप अपने घर से ला के पैसे दोगे तो ऐसी बात नहीं आपकी liability है आपकी लाइबिलिटी कितने तक लिमिटेड है आपके शेयर तक ठीक है अगला क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर द इन्वेस्टर टू परचेज द शेयर ऑफ द कैन बी कन्वर्टेड इन कैश एनी टाइम तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं अट्रैक्टेड होते हैं क्यों क्योंकि ये शेयर जो होती है वो आप कंपनीज के शेयर आराम से खरीद सकते हो और उसे किसी को मतलब खरीदना इन द सेंस कि आप किसी से भी खरीद सकते हो आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को बेच सकते हो या फिर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो मतलब बहुत ही आसानी से आप उसको कैश या कैश के इक्विवेलेंट में शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो वन परसेंट टू अनदर अगला है परपोचुअल एग्जिस्टेंस ये भी इसके मेरिट हैं कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी तो एक कंपनी कभी बंद जल्दी नहीं होती बस आप अगर रूल लेके आके मतलब लॉस के थ्रू ही बंद किया जा सकते हैं ऐसे नहीं कि मालिक मर गया या पार्टनर मर गया तो ऐसे ही में कंपनी बंद हो जाएगी ये प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटरशिप में हुआ करता था ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पार्टनरशिप में भी थी लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर परपिचुअल एग्जिस्टेंस है मतलब कंटिन्यूसली चलता ही रहता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑल दो द इशू ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन एकूमलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल सॉरी दो द इशू ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन एकूमलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हैंस इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन तो चूंकि यहाँ पर क्या है कि अपने शेयर्स को इशू करके वो मार्केट से और पैसे ले सकती है कंपनी और जब मार्केट से खूब सारा पैसा ले लेती है आम जनता से तो ऐसे केस में क्या होगा जब इसके खूब पैसा आएगा तो ये एक्सपेंड कर पाएगी अपने आप को और भी बढ़ा पाएगी और ब्रांचेस और और जो है अपने जो कस्टमर है उन्हें उनके तक रीच कर पाएगी ठीक है तो जितना ही अपने आप को बढ़ाएगी जितना ही अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगी ऐसे केस में वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक खुद को पहुँचा पाएगी खुद के प्रोडक्ट को पहुँचा पाएगी अगला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिस्ट सॉरी कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ अगला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो क्या बताता है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सपोर्टेड बाय सैलरीड मैनेजर्स तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट वो किसके द्वारा किया जाता है जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो कि एमबीए किए हुए हैं मतलब अच्छे अच्छी डिग्रियाँ जिनके पास है जो कि वेल स्किल्ड है उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ हमारे जो हैं जो मैनेजरल एम्प्लॉय ये इतने ज़्यादा स्किल्ड है कि ये प्रोफेशनल होते हैं मतलब ये ऐसे नहीं कि हमारे जो जमारे जो सोल जो प्रोप्राइटर में तो क्या था कि उसको कुछ पता नहीं था कोई भी बन जाता है ऐसे केस में वो मैनेजमेंट की उतनी स्किल भी नहीं रहते वो भी मालिक बन जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है ये जो कंपनीज़ हैं ये स्किल्ड वर्कर्स की सहायता से स्किल्ड मैनेजर्स की सहायता से रन किया जाता है ऐसे केस में प्रॉफिट और सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अब बात करेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की लिमिटेशन क्या है सबसे पहले डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन दे दो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इनफॉर्म फॉर्मेलिटीज़ क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो है कि हर बंदा जाके नहीं बना सकता उसको इतने ज़्यादा पेपर वर्क और ये सब कंप्लीट करना होता है तब जाके कोई कंपनी क्रिएट कर सकता है ऐसे केस में सबके बस की बात नहीं होती है कंपनी को क्रिएट करना अगला है लैक ऑफ सीक्रेसी देखो सीक्रेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दिक्कत होता है इसमें ठीक है ईज पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देर अकाउंट्स यहाँ पर क्या आपको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है कि आपने रॉ मेटेरियल कितना में खरीदा आपको प्रॉफिट कितना हो ये सारी चीज़ आपको बतानी होती है यही सोर प्रोप्राइटरशिप में नहीं था वो उसे जरूरत नहीं था कि वो बताए कि कितना का क्या खरीदा ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये यह चीज़ बताता है ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड टू द पब्लिक टाइम टू टाइम तो हर कंपनी को क्या होता है पब्लिक कंपनी को अपने जो जो अकाउंट्स हैं अपने बुक्स में जो भी बैलेंस शीट और सारी चीज़ों को उसे समय समय पर साल में पब्लिश करना होता है और साथ में रजिस्ट्रार को भी शो करना होता है हैंस देर इज नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ जॉइन स्टॉक कंपनी इस वजह से क्या है जॉइन स्टॉक कंपनी में सीक्रेसी नाम की जो चीज़ होती है तो यहाँ पर क्या होता है कंपल्सरी ऑडिट फिलिंग ऑफ रिपोर्ट स्टेटरी मीटिंग ऑब्लीगेश सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रजिस्ट्रार्ड से बी एक्सेट्रा लीड टू कॉम्प्लेक्सिटी तो यही चीज़ें हमने आपको पहले बताया इसमें कि यहाँ पर क्या है फॉर्म कंपनी को फॉर्म करने के साथ साथ उसको रन करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आपको ऑडिटर्स की सहायता से आपको हमेशा क्या करना होता है ऑडिटर की सहायता से आपको अपने बुक्स को चेक कराना होता है ऑडिटर कौन होता है वो पर्सन होता है जो कि चेक करता है कि आपने अकाउंट्स में कोई झोल नहीं नहीं किया है कुछ गड़बड़ नहीं नहीं किया है इसी तरह आपको हमेशा अपने जो रिपोर्ट से उन्हें फिल करना होता है आपको टैक्स के बारे में सरकार को बताना होता है कि आपने कितना टैक्स दिया तो ये सारे के सारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं आपको मेंटेन जो है के तहत अपनी बिजनेस को चलाना होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग अब यहाँ पे क्या होता है आपको कोई भी डिसीज़न जैसे सोल प्रोप्रायटे में हमने पड़ा वहाँ पर क्या एक बंदा है जो करना है तुरंत ही डिसाइड कर लेगा यहाँ पर क्या है और लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले डायरेक्टर और शेयर होल्डर से कंसर्ट इन सबका कंसर्ट होगा तभी कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकेगा नहीं तो ऐसे नहीं लिया सकेगा क्योंकि यहाँ कैपिटल भी तो ज़्यादा है आप ऐसे देखिए ना सोल प्रोप्राइटर में क्या था कम कैपिटल था पैसे कम थे यहाँ पर सबका पैसा लगा हुआ ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लगा हुआ ऐसे केस में ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट पर बहुत बड़े स्केल पर वो इफ़ेक्ट करता है अगला क्या है अगला क्या है ओली गार्की मैनेजमेंट ओली का मतलब क्या होता है रूल बाई फ्यू अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी कंपनी क्या होता है वो कंट्रोल जो होता है वो कुछ ही लोग के हाथ में रहता है हु मे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ़ द शेयर होल्डर्स यहाँ पर आपका पता है जो मेन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हीं के हाथ में मेन कंट्रोल होता है शेयर होल्डर्स के हाथ में बहुत कम कंट्रोल होता है क्योंकि मेन डिसीजन इन्हीं लोग यही लोग लेते हैं ऐसे केस में क्या होता है कि ये कई बार क्या होते हैं कि ये शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को दरकिनार करके कई बार अपने डिसीजन ले लेते हैं तो यही चीज़ होता है क्या ऑली गैरकि मैनेजमेंट अब क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स में एडवर्सली एफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी तो हमने वही बताया यहाँ पर चूंकि ऑली गैर जो है मैनेजमेंट होता है यहाँ पर मेन डिसीजन होता है ये जो डायरेक्टर्स लेते हैं तो कई बार डायरेक्टर्स कुछ ऐसा डिसीजन भी ले, ले लेते हैं जिससे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो नाखुश होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा के कारण हो सकता है अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंपनी के ज्वाइन स्टॉक कंपनी तो यहाँ पर आपको तीन टाइप पढ़ने हैं एक सबसे पहले है क्या है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है प्राइवेट कंपनी इज़ डिफाइंड एज कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है देखिए दो वर्ड है एक है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनके बारे में आप डीपली जो है आगे आपको मिलेगा वैसे अभी के लिए आप समझ जाइए बस इतना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल्स है जिसमें क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब हम कैसे इस देश में रहेंगे हम कौन सा काम करेंगे तो गलत होगा तो ये क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे हैं वो आर्टिकल के रूप में लिखे हैं इसी तरह कंपनी में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन्स लिखती है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब अपने कंपनी के बीच में जो लोग एसोसिएट है उनके बीच में क्या आर्टिकल्स है उनके बीच में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है क्लियर तो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो प्राइवेट कंपनी क्या है वो डिफाइंड एज ए कंपनी बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन वो अपने आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में ये डिफाइन करता है कि भैया हम होंगे प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेर अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि आप अगर शेयर खरीदते हो वैसे जनरल पब्लिक तो जल्दी खरीद नहीं पाती लेकिन जो भी खरीदता है जिसके पास वो दूसरे को नहीं दे सकता है उसके साथ ये प्रॉब्लम है वो दूसरे को नहीं बेच सकता है तो इसलिए बोलता है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर देश हैज़ मिनिमम टू यहाँ पर मिनिमम दो एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड मेम्बर्स और मैक्सिमम दो सौ मेबर होते हैं एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूड करके कौन द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर जो है प्रेजेंट और पास्ट जो एम्प्लॉयज़ है एम्प्लॉयज़ को नहीं दिखाया जाता इसके मेंबर्स की बात करते हैं मेम्बर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों अलग अलग है ध्यान दीजिएगा डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़ वही हमने आपको बताया कि हम और आप जल्दी इससे खरीद नहीं सकते हैं तो पब्लिक को नहीं बोलेगा कि आइए हमारे कंपनी के शेयर को खरीदिए एंड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम और ये जरूरी है कि वो अपनी कंपनी के नाम के साथ में लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड तो हमने क्या पढ़ा एक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है वो कंपनी जो कि अपने आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में लिखी रहती है कि भैया हम हमें प्राइवेट कंपनी उसके बाद वो रिस्ट्रिक्ट करती है अपने मेम्बर्स को कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सके शेयर्स को और इसके मेम्बर्स मिनिमम दो मैक्सिमम दो सौ होते हैं जिसमें जो एम्प्लॉय से वो नहीं आते हैं। और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि पब्लिक आइए हमारे शेयर्स को खरीदिए इनके मेम्बर्स ही खरीद सकते हैं ठीक है तो ये जो होता है और इसके साथ ये अपने नाम के लास्ट में क्या लगाना चाहिए इसे अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड हमेशा लगाना चाहिए ठीक है तो ये प्राइवेट कंपनी होता है इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है प्रिविलेज और प्राइवेट कंपनी की क्या क्या है क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ठीक है तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो आज के लिए बस आप ये समझ लीजिए अभी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जितने भी टाइप्स है उनको कोशिश करेंगे कवर अप हो जाए प्राइवेट हुआ और फिर उसके बाद पब्लिक और वन परसेंट कंपनी ठीक है तो ये वीडियो इसी के साथ कंप्लीट